है पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में सियासी ड्रामा चल रहा है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जहां एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने बाबुल सुप्रियो का विरोध किया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में बाबुल सुप्रियो धरने पर बैठ गए और जिसकी सूचना मिलने पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी यूनिवर्सिटी पहुंचे। लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ का भी लेफ्ट समर्थित छात्रों ने विरोध किया और राज्यपाल की कार यूनिवर्सिटी गेट पर ही फंस गई। वहीं वीसी इस प्रदर्शन में जख्मी हो गए, हालांकि बाद में राज्यपाल के साथ बाबुल सुप्रियो यूनिवर्सिटी के बाहर चले गए। तो बाबुल सुप्रियो के साथ छात्रों ने धक्का मुक्की भी की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सियासी ड्रामा देखने को मिला। एसएफआई के छात्रों ने बाबुल सुप्रियो का विरोध किया, जिसके बाद राज्यपाल यहां पर पहुंचे। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश वापना जी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, ये जो कुछ भी चल रहा है पश्चिम बंगाल में, सियासी ड्रामा आज यूनिवर्सिटी में जो हमने देखा, किस नजर से देखेंगे आप इसे? देखिए, वायलेंस जो है वह पश्चिम बंगाल की जो एजुकेशन संस्थान है, खासतौर से यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पहले से वायलेंस के एक माहौल वहाँ पे होता रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि विरोध प्रदर्शन जो कि शांतिपूर्ण होना चाहिए था, उसकी बजाय हिंसा के माध्यम से इस तरह का प्रदर्शन किया गया और एसएफआई के द्वारा किया गया। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो नहीं होना चाहिए थी। और वहां पर एक पश्चिम बंगाल में हमने इलेक्शन के दौरान भी देखा कि एक पूरी तरह से एक हिंसा के लिए एक अनुकूल वातावरण वहाँ राजनीतिक दलों द्वारा बनाया गया, जिस तरह की गुंडागर्दी वहाँ पर चल रही है, जिस तरह की माफिया वहाँ पर सक्रिय है, तो ये राजनीतिक दलों के अस्तित्व के लिए भी एक खतरे की बात है। जो राजनीतिक दल ये समझते हैं कि वो गुंडागर्दी का सहारा लेके आगे बढ़ जाएंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। उन लोगों को, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं को एक निर्णय लेना चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको कैसे रोका जाए और जो गुंडा तत्व राजनीति में वहां पर सक्रिय है उनको कैसे बाहर किया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में आज दिखाई देती है, जो हमें विधानसभा जो अभी लोकसभा के चुनाव में थे उसमें भी हमने देखा कि इस तरह की गुंडागर्दी बड़े पैमाने पर वहां पर की। सुरेश जी, बिल्कुल। और यहाँ पर जब राज्यपाल पहुंचे थे तो उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी हमने देखा कि ममता बनर्जी की सरकार के विरोध में भी नजर आई थी बीजेपी, और तब भी बहुत ज्यादा बवाल देखा गया था। यानी कि जो लड़ाई लोकसभा चुनाव से हम देख रहे हैं वो अभी भी लगातार जारी है वहां। देखिए, वहां पर वो एसएफआई जो है वो सीपीएम की स्टूडेंट विंग है, तो वहां पर सीपीएम की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, खराब है, बहुत बुरी स्थिति में वहां पर सीपीएम की राजनीतिक हालात हो चुके हैं और एक तरह का डेस्परेशन उनके भीतर दिखाई दे रहा है। और डेस्परेशन जो है वो इस तरह से हिंसा के रूप में भी कभी कभी प्रकट हो रहा है, तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। और अगर राजनीतिक दलों के नेता अगर ये मानते हैं कि वो हिंसा के माध्यम से, गुंडागर्दी के माध्यम से अपना राजनीतिक हिस्सा सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है और वो अपने अस्तित्व को ही एक तरह से जो है खतरे में डाल रहे हैं। जी, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए।